नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लॉकडाउन स्टडी में। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो वीडियो है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, आज हम देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से संबंधित क्या प्रावधान दिए गए हैं भारत के संविधान में। भारत के संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद संबंधित केवल दो प्रमुख आर्टिकल है, वो है 74 और 75। लगभग सभी जो प्रावधान है वो इस दोनों आर्टिकल के तहत कर दिए गए हैं। ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारत में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली, मतलब संसद के द्वारा क्या होता है, शासन होता है। तो राष्ट्रपति जो है यहाँ के प्रमुख है, मतलब देश के प्रमुख तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो सरकार है उनके प्रमुख कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हमने पहले की वीडियो में देखी है, जो मैंने प्लेलिस्ट में डाली हुई है, उन सभी शक्तियों का जो उपयोग कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्रधानमंत्री का निर्वाचन कैसे होता है, ये नियुक्ति कैसे होती है, तो प्रधानमंत्री का निर्वाचन या नियुक्ति के संबंधित क्या है, संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए हैं। लेकिन जो आर्टिकल 75 का जो वन है, ये जो 75(1) है, ऐसा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। तो राष्ट्रपति क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या कि जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो होता क्या है, जो भी पार्टी लोकसभा जो चुनाव होते हैं और जो जीत कर आती है, तो उस पार्टी, जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है, उसके जो नेता होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उन्हें ही नियुक्त करते हैं। ठीक है, ऐसा भी कभी हो सकता है कि चुनाव हुए और लोकसभा का जब रिजल्ट आया तो किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त ना हो, तो राष्ट्रपति उस समय पे क्या करते हैं, अपने विवेक से जो सबसे बड़ा दल होता है उसके किसी नेता को क्या करते हैं, वो प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और कुछ समय दिया जाता है कि वो एक महीना या अगले 1.5 महीने में क्या है, सदन पे अपना बहुमत सिद्ध करे। बहुमत सिद्ध करे मतलब गठबंधन की सरकार बनाए या 2-3 पार्टियों से और सहमति ले और वहां पे क्या है, अपना लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे। ऐसा हुआ था, ऐसा होता रहा है। जैसे 1979 में नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो राष्ट्रपति थे देश के, और उन्होंने क्या किया था, चौधरी चरण सिंह को क्या किया था उस समय पे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हुआ था 1984 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, तो उस समय जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, तो 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था, उन्होंने राजीव गांधी को क्या कर दिया था, प्रधानमंत्री डायरेक्ट नियुक्त कर दिया था। और कार्यकारी प्रधानमंत्री ऐसा कोई नहीं बना था। बाद में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी में सर्वसम्मति से क्या है, राजीव गांधी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया था। ठीक है, तो जैसे ही ऐसा कुछ भी होता है कि कोई भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या है, किसी भी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं। और सामान्यतः अगले 1 या 1.5 महीने में ऐसा होता है कि उन्हें क्या करनी पड़ती है, लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या है 1980 के समय ऐसा कहा भी था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कोई व्यक्ति है वो पहले बहुमत सिद्ध करे उसके बाद क्या हो, प्रधानमंत्री नियुक्त हो। ऐसा राष्ट्रपति कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति को पहले प्रधानमंत्री नियुक्त करें, उसके बाद यथासंभव कुछ समय में क्या हो कि वो अपना बहुमत सिद्ध करे लोकसभा में। तो कहने का मतलब ये है, लोकसभा में जो बहुमत दल प्राप्त होगा उसी का जो नेता होगा वही क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रपति क्या है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है, ऐसा और भी हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो वो भी क्या है, प्रधानमंत्री या मंत्री बन सकते हैं। ठीक है, आप भी प्रधानमंत्री तब तक बन सकते हैं अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तो भी आप 6 महीने तक क्या है, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद क्या है, आप किसी न किसी एक सदन की, चाहे वो लोकसभा हो या तो राज्यसभा हो, दोनों में से क्या है, किसी एक सदन की आपको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। चाहे आप लोकसभा में इलेक्ट होके जाए, ठीक है, या राज्यसभा में इलेक्ट होके जाए, या नॉमिनेटेड भी आप हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे कि इसके पहले इंदिरा गांधी थी, वो भी राज्यसभा की सदस्य थी और उन्होंने क्या था, प्रधानमंत्री वो बनाई गई थी। इससे पहले 2004 से लेकर 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो भी क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन वो क्या थे, 10 साल तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। ये भारत में ऐसा अलाउ है कि किसी भी सदन का जो व्यक्ति है वो क्या हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में, जहां से हमने संसदीय शासन प्रणाली ली है अपने संविधान में, वहां पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लोअर हाउस, मतलब जो भारत में जैसे लोकसभा है वैसी ब्रिटेन का जो लोअर हाउस होगा, वहां से क्या, वहां से मेंबर होना कंपलसरी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है, सदस्य कहाँ के हो सकते हैं, दूसरा पॉइंट, हमारे सदस्य किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, जो प्रधानमंत्री होंगे या वो राज्यसभा के सदस्य हो तो भी कोई बात नहीं, या लोकसभा के सदस्य हो तो भी कोई बात नहीं। कहने का मतलब है किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, अगर लोकसभा में है तो जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी दल होगा
उसी के क्या होंगे, वो नेता होंगे, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य हैं तो उनका जो दल होगा, जिस दल से वो राज्यसभा में है, उनके दल का बहुमत कहाँ पे होगा, लोकसभा में होगा, ठीक है। तो ये चीजें होती है प्रधानमंत्री से। आगे देखिए पदावधि और शपथ की बात करते हैं। पदावधि की क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तब तक प्रधानमंत्री क्या होते हैं, अपने पद पर बने रहते हैं। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा दें, ठीक है। तो जब तक सत्ताधारी जो दल होता है उसका बहुमत जब तक लोकसभा में होता है तब तक क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को उसके पद से नहीं हटाते हैं, ठीक है। और शपथ भी कौन दिलवाते हैं, राष्ट्रपति जो है वो क्या है, शपथ दिलवाते हैं किसको, प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलवाते हैं। और प्रधानमंत्री शपथ लेने के बाद आगे मैं बताऊंगा कि जो अन्य जो मंत्री होते हैं उनकी भी सिफारिश करते हैं ताकि राष्ट्रपति उनको भी शपथ दिलवा सके। तो अभी हमने क्या देखा, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, पहला पॉइंट। प्रधानमंत्री जो हो सकते हैं वो किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं, तो राज्यसभा से भी हो सकते हैं और लोकसभा से भी हो सकते हैं। पदावधि इनकी क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है। मेनली जो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसके बाद क्या होता है, नए चुनाव होते हैं। नए चुनाव में कोई व्यक्ति जो जीत के अगर पुनः आ गए, कंटिन्यू 2 बार आ गए, जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 2 बार प्रधानमंत्री बने लगातार, अभी नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यकाल लगातार क्या हो रहा है, 2 बार चल रहा है, तो उसके बाद भी कंटिन्यू हो सकता है। तो जब तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और इनको क्या शपथ भी कौन दिलाते हैं, राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो कार्यकाल इनका क्या है, 5 वर्ष है क्या, नहीं, कार्यकाल इनका अनिश्चित हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि अपने 5 साल के पहले भी क्या हो सकते हैं, सरकार को विघटन करने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है, कि सदन का बहुमत जो है वो सभी लोगों के समान रूप से नहीं हो रहा है, तो आप उसको विघटन करने की सलाह भी दे सकते हैं, अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। तो ऐसे जरूरी कंपल्सरी नहीं कि 5 साल उनका कार्यकाल हो, है ना। आगे देखते हैं इनके कार्य और शक्तियां, प्रधानमंत्री कार्य और शक्तियां क्या क्या है। तो पहले जो इनके कार्य और शक्तियां हैं वो मंत्रिपरिषद के संबंध में है। मंत्रिपरिषद के संबंध में तो पहले हम आगे की वीडियो में और बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा मंत्रिपरिषद क्या होती है और मंत्रिमंडल क्या होते हैं। यहां मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, जितने भी लोकसभा में सीटें होती हैं उनका 15% जो व्यक्ति है वो मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या होता है, जो प्रधानमंत्री ये होते हैं, मंत्रिपरिषद के संबंध में इनका प्रमुख कार्य ये होते हैं कि जब इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कर दी जाती है तब ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए। जो जिन व्यक्तियों की सिफारिश प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी उन्हीं व्यक्तियों को क्या है, राष्ट्रपति क्या है, मंत्री पद की शपथ दिलाएंगे, ठीक है। दूसरी क्या है इनकी शक्ति क्या है, कि उन मंत्रियों को जो है मंत्रालय आवंटित करते हैं, ठीक है, कौन कौन से मंत्री कौन कौन से मंत्रालय में आवंटित होंगे। तीसरे क्या है, ये जो है संपूर्ण जो मंत्री परिषद होती है उसका क्या है, संचालन करते हैं। ये क्या होते हैं, मुख्य हेड होते हैं, और ये कभी भी अपना त्यागपत्र देकर क्या है, संपूर्ण मंत्री परिषद जो होता है उसको विघटित कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति और सॉरी अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपना इस्तीफा सौंप दे तो सभी जो मंत्री परिषद होती है वो भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो इनके प्रमुख कार्य ये है। और अगला प्रमुख कार्य देखते हैं राष्ट्रपति के संबंध में, ठीक है। अनुच्छेद 78 में क्या है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है, प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे। तो राष्ट्रपति के प्रति इनके कर्तव्य होते हैं कि अगर राष्ट्रपति किसी भी संबंध में जानकारी चाह रहे हैं कि मंत्री परिषद में क्या काम हो रहा है, क्या प्रस्ताव आने वाले हैं, तो ये प्रधानमंत्री कर्तव्य हुआ किया कि राष्ट्रपति को उसकी जानकारी दे। दूसरी बात ये होती है, जो जैसे मैंने बताया कि लोकसभा के जो 15% है वो मंत्री बन सकते हैं, मतलब 83% जो होंगे, 552 जो है मैक्सिमम सदस्य संख्या लोकसभा की, तो 83 जो मेंबर होंगे वो मंत्री हो सकते हैं, ठीक है, मंत्री परिषद में शामिल हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई मंत्री है जिसने कुछ प्रस्ताव पे निर्णय ले लिया है और उसको मंत्री परिषद में उसका विचार नहीं किया गया है, तो राष्ट्रपति ये सलाह भी दे सकते हैं उस प्रस्ताव को जो किसी मंत्री ने लिया हुआ है उसको मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए और उसमें विचार किया जाए, ठीक है। पहला मैंने क्या बताया कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर जानकारी ले सकते हैं और ऐसा सलाह भी दे सकते हैं कि किसी मंत्री ने कोई निर्णय ले लिया किसी बिल को लाने का या किसी बिल के संबंधित, तो मंत्री परिषद के समक्ष रखा जाए और उस पर क्या किया जाए, विचार किया जाए, ठीक है। देखिए संसद के संबंध में क्या होता है, संसद के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि संसद का सत्र आहूत कराना, ये राष्ट्रपति का काम है, लेकिन राष्ट्रपति को सलाह कौन देंगे, प्रधानमंत्री ही सलाह देंगे। संसद का सत्र आहूत कराना, उसको सत्रावसान करना, उसको खत्म कर देना, ठीक है, विघटन करना लोकसभा का।
और दूसरी बात यह कि सभा पर जो नीतियां और जो संघ के मतलब मंत्रियों के जो सरकार जो केंद्र सरकार है उसकी जो नीतियां होंगी उनका बखान कौन करेगा। बखान मतलब कि उनका समक्ष सदन के समक्ष क्या किए जाएंगे, प्रस्तुत किए जाएंगे, ठीक है। तो उनका भी प्रमुख प्रवक्ता जो कहते हैं वो भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। और देखिए इनकी अन्य शक्तियां भी हैं, कुछ अन्य शक्तियां मतलब मैं कैसे कहूं, जो महान्यायवादी हो गए, ठीक है, महान्यायवादी हो गए, निर्वाचन आयोग हो गए, और संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हो गए या अध्यक्ष हो गए, उनकी जो सिफारिश कौन करते हैं नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के तहत की जाती है, ठीक है। और आपदा प्रबंधन हुआ, जैसे कि आपदा प्रबंधन है महामारी के समय जो प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। जैसे अभी COVID-19 का चल रहा है, इसमें जो आपदा प्रबंधन के जो सबसे प्रमुख व्यक्ति जो होंगे, सर्वे सर्वा जो होंगे, वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है। अगली शक्ति है और योजना आयोग हो गया या राष्ट्रीय विकास परिषद हो गया, योजना आयोग कब नीति आयोग कर दिए गए, ये सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वो क्या होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इनकी अन्य शक्तियां भी है, मतलब जो संपूर्ण शक्तियां हैं। और ये तीनों सेनाओं के क्या है, राजनैतिक प्रमुख होते हैं तीनों सेनाओं के, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 74 और 75 में कुछ प्रमुख बातें हैं। आर्टिकल 74 में क्या है, आर्टिकल 74 में यह है कि एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में, राष्ट्रपति को उनके कार्यों में सहायता करने के लिए या उनकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेंगे, उसके लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद की सलाह पर भी क्या होंगे, राष्ट्रपति क्या है, कार्य करेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 74 ये कहता है। आर्टिकल 75 में कुछ प्रमुख बातें हैं, जो पहला बात तो मैंने आपको बता दी कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर क्या होंगे, राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। दूसरी बात यह, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, जो प्रधानमंत्री के अलावा जो और भी जो मंत्री हो गए वो क्या होंगे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक क्या करेंगे, वो अपना पद धारण करेंगे। अगर प्रधानमंत्री को ऐसा लगता है कि जो कोई भी मंत्री हो गया वो ठीक से कार्य नहीं हो रहा है, तो उनको क्या कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति को कहकर उनको बर्खास्त करने की सिफारिश भी कर सकते हैं, या किसी भी मंत्री से क्या है, प्रधानमंत्री जो है वो अपना इस्तीफा भी मांग सकते हैं, ठीक है, अपना मतलब कि जो मंत्री रहेंगे उनसे वो इस्तीफा भी मांग सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मंत्री परिषद जो होगी लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी रहेगी, मतलब अब इसका यह है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर किसी एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है तो पूरी मंत्री परिषद को क्या होता है, इस्तीफा देना पड़ जाता है, ठीक है। जो इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या होगी, लोकसभा के प्रति होगी। अगर ऐसा भी कोई मंत्री जो राज्यसभा से है और मंत्री है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने पर उसकी भी क्या हो जाती है, मतलब उसको भी अपना पद त्याग करना होता है, ठीक है। तो ये जो थी वो पूरी प्रधानमंत्री संबंधित बातें थी, ठीक है। और अब हम कुछ विशेष चीजें देख लेते हैं। हम ये देखते हैं कि जो वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, वो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाद में क्या हुआ, वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसे 6 लोग हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद क्या है, वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहला है मोरारजी देसाई, ये पहले कहां के थे, बम्बई के, या मुंबई कह लीजिए, या बम्बई हो गया है, पहले क्या था, बॉम्बे था, बम्बई के क्या थे, ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है। मतलब पहले क्या थे, वो बंबई के क्या मुख्यमंत्री थे, बाद में क्या हुआ, देश के ये प्रधानमंत्री बने। दूसरे हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी अविभाजित उत्तर प्रदेश, मतलब जो यूपी था वहां पे क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे, बाद में क्या है, ये तीसरे नंबर है वीपी सिंह, ये दोनों ही क्या है, यूपी में पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, बाद में क्या है, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। जो मोरारजी देसाई का नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, पहले गैर कांग्रेसी क्या है, प्रधानमंत्री बने थे। अब फोर्थ देखिए, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो दक्षिण भारत के राज्यों से आते हैं। ये कहां के थे, आंध्र प्रदेश के प्रथम, ये आंध्र प्रदेश के क्या थे, पहले क्या थे, ये मुख्यमंत्री थे, बाद में क्या हुआ, देश के प्रधानमंत्री बने। उसी प्रकार क्या, एचडी देवगढ़, ये भी दक्षिण भारत के राज्य से आते हैं, कर्नाटक के, ये क्या थे, मुख्यमंत्री थे पहले, उसके बाद क्या, ये कर्नाटक से मुख्यमंत्री बने हुए थे, और उसके बाद क्या, देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला नाम आता है नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जो है, ये नरेंद्र मोदी जो है, ये 2001 से लेके 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ठीक है, और लगातार 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे वहां गुजरात के, और अभी क्या है, देश के ये प्रधानमंत्री है। तो ये जो चीजें थी मुख्यमंत्री संबंधित प्रमुख बातें थी, और मैंने ये बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, सभी शक्तियों का जो उपयोग है वो क्या है, प्रधानमंत्री ही करते हैं, ठीक है।
ये जो मैंने आर्टिकल 74 बताया कि प्रधानमंत्री जो है मंत्री पर एक आर्टिकल 74 यह है एक मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसे कार्यों में सलाह या सहायता करेगी। तो राष्ट्रपति को जो सलाह दी जाती है मंत्री परिषद के द्वारा वो एक बार तो पुनर्विचार करके लौट आ सकते हैं, लेकिन अगर फिर से वही सलाह दी जाती है तो राष्ट्रपति क्या है उस सलाह को मानने के लिए बाध्य होते हैं, है ना। तो राष्ट्रपति किसके तहत काम करते हैं, मंत्री परिषद की सलाह के तहत। और बाद में न्यायालय का एक ये भी निर्णय आया था जब लोकसभा अगर विघटित हो जाती तो भी मंत्री परिषद कभी विघटित नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को स्वविवेक शक्तियां कुछ प्राप्त ही नहीं है। अगर मंत्री परिषद भी विघटित हो जाएगी तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करेंगे तो वो आर्टिकल 74 का क्या होगा, उल्लंघन होगा, आर्टिकल 74 का उल्लंघन होगा। इसलिए लोकसभा के विघटन के बाद भी क्या होता है, मंत्री परिषद विघटित नहीं होती है, मंत्री परिषद क्या है काम करती है, राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह पर ही काम कर सकते हैं। तो आज का जो वीडियो था वो प्रधानमंत्री से रिलेटेड था और आज के जो मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं प्रधानमंत्री संबंधित है, ये एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है, एग्जाम में आ सके। तो आर्टिकल 74 और 75 आपके लिए ये बेसिक चीज था। अगले ये जो रिलेटेड है 74 75 से उन्हीं चीजों के बारे में आगे बताऊंगा। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, मंत्रियों के क्या विशेष प्रावधान, उनको क्या विशेष शक्तियां प्राप्त है, ठीक है। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे इस तरह की वीडियो चैनल पर डेली अपडेट होती रहती है, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।